यार ऑस्ट्रेलिया वालों तुम भी कमाल करते हो यार। पहले 3 टेस्ट मैचों में तुमसे ढंग से बल्लेबाजी हुई नहीं और चौथे टेस्ट मैच में तुमने पहली पारी में 480 रन ठोक डाले। ऐसे कौन मारता है वे? कोई शरम मरम है कि नहीं? माना कि पिच अच्छी थी फिर भी इतना कौन मारता है। चलिए शुरू से शुरू करते हैं जहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के कप्तान स्टीव स्मिथ ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों ने उनका ये फैसला गलत साबित नहीं होने दिया और जमकर बल्लेबाजी की। ऑस्ट्रेलिया ने पहले दिन का खेल खत्म होने तक 4 विकेट गंवाकर 255 रन बना दिए थे जिसमें उस्मान ख्वाजा ने अपना शानदार शतक जड़ दिया था। दूसरे दिन जब उस्मान ख्वाजा और कैमरन लिन बल्लेबाजी करने आए तो दोनों बल्लेबाजों ने शानदार बल्लेबाजी की और दोनों ने पहले सेशन में कोई विकेट नहीं गिनने दिया, जिस बीच उस्मान ख्वाजा ने अपने 150 रन पूरे कर लिए थे और कैमरन ग्रीन अपने शतक से मात्र 5 रन दूर थे। दूसरे सेशन में कैमरन ग्रीन ने भी शानदार अपने करियर का पहला टेस्ट शतक पूरा किया। दोनों ही बल्लेबाजों के बीच 208 रनों की साझेदारी हुई। इन दोनों की साझेदारी को तोड़ा रविचंद्रन अश्विन ने इसी ओवर में एलेक्स कैरी को भी 0 के स्कोर पर आउट किया। कैमरन ग्रीन 114 रन बनाकर आउट हुए, साथ ही उस्मान ख्वाजा भी 180 रन पर आउट हुए और अपने दोहरे शतक से 20 रन दूर रह गए। साथ ही लियोन ने 34 और टॉड मुर्फी 41 रन बनाकर आउट हुए। इस तरह ऑस्ट्रेलिया 480 रन पर ऑल आउट हो गई। भारत की तरफ से अश्विन ने सबसे ज्यादा 6 विकेट लिए, साथ ही समीर ने 2 विकेट और अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा को एक एक विकेट मिले। 480 रन की टारगेट का पीछा करने भारत की तरफ से बल्लेबाजी करने आए कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल दोनों ने दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक कोई विकेट नहीं गिनने दिया और दोनों ने 36 रन जोड़ दिए जिसमें रोहित शर्मा 17 और शुभमन गिल 18 रन पर नाबाद है। तो गाइस आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।